रूस यूक्रेन जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घर की सीढ़ियों से गिर गए हैं। जब पुतिन सीढ़ियों से फिसले तब वो 5 सीढ़ी ऊपर थे। पीठ के बल गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्की चोट आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कैंसर से जूझ रहे पुतिन की आंतों और पेट पर असर पड़ा है। हालांकि पुतिन बिना किसी की मदद के फिर चल फिर सकते हैं, लेकिन उन्हें उठने बैठने में काफी मुश्किल हो रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से बताया है कि हादसे के बाद पुतिन की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने उन्हें उठाया। हालांकि ये दावे कितने सही हैं, रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आने पर ही साफ हो पाएगा, लेकिन पुतिन की सेहत को लेकर समय समय पर अटकलों का बाजार गर्माता रहता है। रूस मामलों के विश्लेषक वालेरी सोलोवी का दावा है कि पुतिन कैंसर, पार्किंसंस और स्किजोफैक्टिव डिसऑर्डर समेत कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उनका स्वास्थ्य नाटकीय रूप से बिगड़ रहा है। सोलोवी का मानना है कि पुतिन इन दिनों कम ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ज्यादातर फैसले पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और राष्ट्रपति सर्गेई सोइगू ले रहे हैं। अक्टूबर में मॉस्को के रेड स्क्वायर में परेड के दौरान भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उनके हाथ कांप रहे हैं। पुतिन की हाल की तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उनके चेहरे पर सूजन साफ दिख रही है। कि रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान पुतिन टेबल का कोना पकड़े हुए थे। इसके अलावा क्रेमलिन में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से मुलाकात के दौरान भी पुतिन के हाथ कांपते हुए दिखे हैं। पुतिन अपनी कपकपी छिपाने के लिए टेबल के किनारे को पकड़े हुए नजर आए। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पार्किंसन से पीड़ित है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन अपने बॉडी डबल को सार्वजनिक मीटिंग में भेज रहे हैं, ताकि दुनिया को उनके बीमार होने का पता न चल सके। हालांकि पुतिन की प्रवक्ता ने इन खबरों को पश्चिमी देशों का प्रोपोगंडा बताकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देश के पत्रकारों को इस तरह का जाल फेंकना बंद कर देना चाहिए। लेकिन पुतिन के चोटिल होने की खबर ऐसे वक्त में आई जब रूस यूक्रेन के बीच जंग निर्णायक हो चली है। इन खबरों से रूसी सेना का मनोबल गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पुतिन का जंग से दूर होने का मतलब है यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त मिलना, जो कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश चाहते हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।